एक शहर जिसे भ्रष्टाचार और अन्याय ने घेर लिया है। जनता के लिए हर संघर्ष साहस बनता है। नायक टू, फिर एक दिन का सीएम बनेंगे अनिल कपूर। 23 साल बाद बनने जा रहा है सीक्वल, जान लीजिए सारी डिटेल। एक दिन का सीएम अनिल कपूर, अमरीश पुरी, रानी मुखर्जी, परेश रावल और अन्य सितारों से भरी फिल्म नायक याद है। कैसे याद ना हो, आखिर इसे टीवी पर हजारों दफा देखा होगा और अभी भी देखते होंगे। आखिर ये फिल्म ही ऐसी है, जितने भी एक्टर थे सभी ने इतने रियल और दमदार एक्टिंग की, ऊपर से फिल्म की कहानी भी जबरदस्त। इस पॉलिटिकल थ्रिलर को दर्शकों का बहुत प्यार मिला और वही वजह है कि अब इसका सीक्वल बनने जा रहा है। जी हाँ, 23 साल बाद नायक 2 बनने जा रही है। क्या इस बार भी इसमें अनिल कपूर नजर आएंगे? अमरीश पुरी की जगह कौन लेगा? डायरेक्टर कौन है? आगे आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो देखिए वीडियो। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद नायक 2 को मर्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म भी राजनीति पर बेस्ड होगी, हालांकि इस बार इसका लेवल काफी बड़ा होगा। डायरेक्टर और प्लॉट तो डिसाइड हो गया है, लेकिन अभी कास्टिंग चल रही है। मिलन ने इससे पहले द डर्टी पिक्चर, कच्चे धागे, टैक्सी नंबर 9211 और बॉन्स अपन अ टाइम जैसे फिल्में बनाई है। ये फिल्म इसी साल फ्लोर पर आने वाली है, हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी ऑफिशियल रिपोर्ट आना बाकी है। नायक द रियल हीरो फिल्म 2001 में रिलीज हुई। डायरेक्शन इस शंकर का था, जिन्होंने रजनीकांत की शिवाजी द बॉस जैसी हिट फिल्म बनाई है। प्रोड्यूसर A.M. रत्नम थे, जिन्होंने श्री सूर्य मूवीज के बैनर तले इसे बनाया था। रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, परेश रावल, जॉनी लिवर सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। कमान अनिल कपूर ने संभाली थी। ये एस शंकर की 1999 में रिलीज हुई तमिल मूवी मुदलवन की हिंदी रिमेक थी। कहानी शिवाजी राव गायकवाड़ की है, जो कि न्यूज चैनल में कैमरामैन और एंकर भी है। कॉलेज स्टूडेंट और बॉस ड्राइवर के झगड़े की वजह से हुए दंगों के दौरान शिवाजी पुलिस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बलराज चौहान की बातचीत सुन लेता है और यही से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। वो एक दिन का सीएम बनने की चुनौती को स्वीकार करता है और पूरे देश की रंगत बदल देता है। हालांकि उसके इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर आप नायक को OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो ये प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। इस फिल्म को कभी भी घर बैठकर देख सकते हैं।